आगरा में थाना ताजगंज क्षेत्र में गलत तरीके से आवाज दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया। एक पीड़ित का कहना है कि उसे 3 लाख का मकान दिलवाने के नाम पर लिए गए, ऐसा ही 40 लोगों के साथ किया गया। कब्जा लेने गए तो धोखाधड़ी का पता चला। SSP कार्यालय में जिसकी शिकायत भी पंजीकृत की गई। इसी तरह के कई मामले सामने आए जिसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। मामले में थाना ताजगंज पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले युवक का नाम शोएब अंसारी है, जो कि थाना नाई की मंडी क्षेत्र का रहने वाला है। अब जिसके नाम अलर्ट हुआ मकान, मेरी बहन के नाम से अलर्ट हुआ था, उनका नाम नाजिया था और उनके हस्बैंड की मुलाकात शोएब अंसारी नामक व्यक्ति से हुई नगले में। उनकी बहन का गुंडा द्वारा अपहरित हुए मकान में आना जाना था। बहन के पास अपनी उनकी बहन रहती थी तो उनकी इसी दौरान मुलाकात शोएब अंसारी नामक आदमी से हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप चक्कर लगा तो किराए के मकान में दर बदर भटक रहे हो, आपको अपने लिए ऑप्ट इन कराना है तो आप मुझसे मुलाकात करें। मेरे संजय पतारिया जी से बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग है और उन्होंने उनको फोटो वगैरह दिखाए और पूरी तरीके से अपने उसमें उलझा लिया। कितने पैसे लिए आपसे? 2,90,000 रुपये। इसके बाद में आपको घर से निकाल दिया बाहर? पहले 50,000 रुपये एडवांस लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा जी। तो OTP आया, OTP आने के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे दिन फ़ोन करा कि आपके मोबाइल पर OTP आ गया होगा, वो OTP बताएं और आपका कागज़ तैयार है, लखनऊ से सीधी फाइल आई है और OTP लखनऊ से हमने मंगाया है आपके लिए। उसके बाद उन्होंने 2,40,000 रुपये लिए जी। और पंडित जी द्वारा 1,000 रुपये पंडित जी ने लिए चाबी देने के जी। और पंडित जी द्वारा हमें चाबी दी गई, हमने देखा सब, थोड़ा बहुत काम भी कराया रहने के लिए क्योंकि किराए पे दर बदर भटक रहे हैं। इसके बाद में आपको बाहर निकाल दिया, वहाँ पर टीम आई ढूंढा से, उन्होंने कहा कि ये तो आपको गलत आवर्तित हुआ है, कागज सब फर्जी है जी। ये सदमा बहन हमारी सहन नहीं कर पाई। कौन सी जगह पर ये आवंटित हुए थे? ये नगला मेवाती में। अच्छा अच्छा। ये सदमा बहन हमारी सहन नहीं कर पाई जी और उनका देहांत हो गया। आपने शिकायत की है इसकी? इसकी शिकायत हमने SSP साहब से, SP सिटी साहब को, थाना नायकी मंडी में। अच्छा। थाना ताजगंज में भी हमने कार्रवाई चल रही है, अभी जाँच कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई अभी हमें अभी आश्वासन कहीं से पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हुई है जी जी कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक। आपका मकसूद जी, ये बताइए, आपने डूड़ा विभाग से मकान के लिए अप्लाई किया था, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, एक शख्स मिला था हमें, शोएब अंसारी जी, डूड़ा विभाग के वहीं पर ही मिला था क्वार्टरों पर जी। कहने लगा अगर आपको क्वार्टर चाहिए, हम लोग गरीबों को जो है आवंटित करा रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरी दोनों किडनी भी फेल हैं। मैंने ठीक है साहब मुझे करा दीजिए, कितने तक में खर्चा आएगा? उसने क्या जो पहले 50,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको, उसके बाद जो है आपके पास एक OPD नंबर आएगा, वो OPD नंबर आपके मोबाइल पर आएगा। तो मैंने इसमें क्या क्या देना, उसने क्या मुझे 10 फोटो दे दीजिए, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी दे दीजिए और 50,000 रुपये दे दिए। मैंने ठीक है मैं 50। शोएब अंसारी ने क्या, जब OPD आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने ठीक है मैं बता दूंगा। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ही मेरे मोबाइल पर OPD नंबर आया, उनका फ़ोन आया मेरे पास, OPD नंबर आ गया। मैंने हाँ आ गया। कहने लगे आप OPD नंबर मुझे दे दीजिए और आपका काम हो गया है, आप आज शाम को जो है डूडा जो क्वार्टर है वहाँ पर आ जाइए, उसके बाद मैं आपको जो है हाल के हाल कागज़ दे देता हूँ और कब्ज़ा भी दे दूँगा। मैंने सर इतनी जल्दी कैसे कब्ज़ा मिल जाएगा और मुझे कहाँ पर कौन से विभाग में आना, कि आप वहाँ पर किसी विभाग में नहीं आएंगे, अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप जो है वहीं पर ही क्वार्टरों पर आ जाइए, वहीं पर ही 2,40,000 रुपये लेकर आप आ जाइए। मैंने ठीक है सर मैं आ जाता हूँ। मैं 2,40,000 रुपये लेकर गया, उन्होंने मुझे एक दस्तावेज़ दिए, उसके बाद जो है उन्होंने जो है मुझे हाल के हाल चाबी दी कमरे की। कमरे की चाबी देने के बाद कहने लगे अपना ताला इसमें आप डाल दीजिए और इसमें रहिए आप। मैंने ठीक है, कुछ दिनों हमने जो इसमें थोड़ा काम भी करवाया, उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ अधिकारी आए, उन्होंने हमारे दस्तावेज़ देखे तो कहने लगे ये फर्जी दस्तावेज हैं या किसने बनवाया है आपको? तो हमने कहा ये तो सर हमने बनवाया एक आदमी से जो आपके डूडा विभाग में। तो कहने लगे कि क्या नाम है? उन्होंने कहा शोएब अंसारी। कहने लगे इस नाम का तो कोई हमारे यहाँ कोई विभाग में नहीं है। कहने लगे जो है आप जो है इसको जांच करवाइए। और कहने लगा सर मैंने तो इसमें मैंने कहा कि वो जो है उसको सर जिस तरीके से डूडा का मामला संज्ञान आ रहा है, क्या कहना? देखिए 4 दिन पहले एक कई लोग आए थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था, कुछ लोगों ने उन्हें जो है आवास के नाम पर फर्जी पेपर बनाकर 3 लाख रुपये उनसे ले लिए। जब वो पेपर डूडा में दिखाया गया तो वो फर्जी पाया गया, जिस पर डूडा की तरफ से
मुकदमा पंजीकृत करा दिए गए हैं। जो मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया है तो पुलिस उसमें छानबीन कर रही है। कई ऐसे नाम अभी आए हैं जिसकी अभी जांच की जा रही है कि उनका क्या रोल रहा है। जल्दी ही हम इसका खुलासा करेंगे। क्या कार्रवाई होगी इसमें? 420 का मुकदमा लिखा गया है, 420/67/68/71 का, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। तो उसमें धाराएं गंभीर धाराएं, इसमें तत्काल अगर अभी पता चलता है तत्काल अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। आगरा से केके न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।